स्वरा भास्कर ने हाल ही में शादी क्या की, ये नेशनल मुद्दा ही बन गया। जी हाँ, स्वरा भास्कर की शादी से ज्यादा बड़ा मुद्दा ये बना कि उन्होंने एक मुस्लिम नेता फाहद अहमद से शादी की है। दोनों की मुलाकात एक प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी। अब विवाद इतना बढ़ गया है कि एएमयू में शादी की पार्टी का इन्विटेशन जब भेजा गया तो पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष ने कड़वी बातें बोली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र मोहम्मद फहाद के साथ हुई एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की शादी के चर्चे जोरों शोरों से चल रहे हैं। इसी बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने न्यूली मैरिड जोड़े को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने का इन्विटेशन दिया है, लेकिन इसको लेकर अब छात्रों के बीच तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वरा भास्कर को लेकर बोला गया कि उन्होंने CAA NRC के वक्त भारत के मुसलमानों को भड़काया था। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसे AMU में नहीं आने दिया जाएगा। दरअसल पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नेकपल को AMU में दावत पर बुलाया गया था, लेकिन छात्र इतना भड़क गए कि उन्होंने बवाल करना शुरू कर दिया। छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि दोनों को यूनिवर्सिटी में नहीं आने देंगे। नदीम अंसारी का कहना है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की ओर से आने का न्योता नहीं भेजा है। यूनिवर्सिटी क्यों किसी को इन्विटेशन भेजेगी, ये उनका प्राइवेट मामला है। फैजुल हसन ने सिर्फ अपनी राजनीति में चमक बढ़ाने के लिए बयान दिया था और वो उनको शादी के बाद यूनिवर्सिटी में आने का न्योता दे रहे हैं। हम स्वरा को AMU में नहीं आने देंगे। नदीम अंसारी ने कहा कि मैं प्रशासन को अभी से आगाह करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को कैंपस में आने नहीं दिया जाए। ऐतराज़ किसी बात का नहीं है, फहाद हमारे यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने शादी की, अच्छी बात है, लेकिन फैजुल भाई ने जो स्टेटमेंट दिया है और राजनीतिक शुरू की है, उनकी शादी हो गई है और वो आराम से खुश रहें, कोई परेशानी नहीं है। कैंपस को आप बीच में लेकर क्यों आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी एक शिक्षण संस्थान है, इस तरह के आयोजन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोभा नहीं देते और न ही आयोजन हम होने देंगे, क्योंकि ये शादी इस्लामी तौर पर जायज़ नहीं है। आपको बता दें कि बॉलीवुड की दुनिया में स्वरा भास्कर एक बड़ा नाम है। बॉलीवुड में स्वरा भास्कर की कई मूवी हिट हो चुकी हैं। स्वरा की मुलाकात 2019 में CAA और NRC को लेकर हुए प्रोटेस्ट के दौरान समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के महाराष्ट्र के अध्यक्ष फहद अहमद से हुई थी। उसी दौरान फहद अहमद को स्पीच सुनकर स्वरा भास्कर का दिल उन पर आ गया था। स्वरा भास्कर ने तभी से ठान लिया था कि वो फहद अहमद को अपना जीवन साथी बनाएंगी। इसके बाद स्वरा भास्कर ने 5 जनवरी को शादी की। बहेड़ी वासियों को जब पता चला कि स्वरा भास्कर ने फहद अहमद से शादी कर ली तो बहेड़ी वासियों की खुशी बढ़ गई। लोगों का कहना है कि इंतजार है कि स्वरा भास्कर बहू बनकर आए तो उनका खूब धूमधाम से स्वागत करेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम और छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।